पिछले एक महीने से जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए ग्राम झाड़पा के उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमएचओ हंडिया डॉक्टर शैलजा महाजन और डॉक्टर रिंगेश कलोसे ने मरीजों का हेल्थ चेकअप किया। ग्राम झाड़पा में डेंगू के मरीज होने की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ 25 मरीजों का चेकअप और डेंगू की जाँच की गयी, जिसमें एक भी मरीज डेंगू पॉजिटिव नहीं पाया गया। साथ ही ग्रामीणों को घर के आसपास साफ सफाई रखने और जल भराव न होने देने की सलाह दी गई। सीएमएचओ डॉक्टर महाजन ने बताया, सभी ग्रामीणों से कहा है कि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर उप स्वास्थ्य केंद्र में आकर इलाज करवाएं। क्योंकि यह क्षेत्र हंडिया ब्लॉक में आता है, यहाँ पे डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुछ ज्यादा थी। आज हमने यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, इसमें जितने भी फीवर के केसेस हैं उनको इलाज दे रहे हैं। मेरे साथ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रिंगेश कलोसे, पूरी टीम आई हुई है। मरीजों की टेस्टिंग भी की जा रही है। यदि पेशेंट डेंगू पॉजिटिव आता है तो हमारे पास डेंगू टेस्टिंग के लिए किट भी है। उसके बाद हम कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए, एलाइजर टेस्ट के लिए भी सैम्पलिंग करवाएंगे, और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे फॉगिंग है, इसके लिए हमने जिला मलेरिया अधिकारी को सूचित किया। आज अभी तक 25 मरीजों की टेस्टिंग हमने की है फीवर वाले, अभी उसमें कोई पॉजिटिव। कुछ दिन पूर्व सूचना थी कि यहाँ से 6 केसेस को डेंगू पॉजिटिव आया था, और वो सब रिकवर हो गए, डिस्चार्ज होके गांव में आ गए। आज झाड़पा में डेंगू के लक्षण ज़्यादा दिख रहे, इसलिए दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। लगभग 5-7 पेशेंट हैं, पूरे गांव में छिड़काव किया जा रहा है। पाउडर है, गोली आ रही है, कल आने वाले हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।